देवरिया में जहाँ बाबा का मचान था, हम लोग रोज दर्शन करने जाते। तो आदो कुवार और कभी कभी कार्तिक में 3 महीने हम लोगों को एक बहुत बड़ा गड्ढा था नदी। सरजू जी बहती थी एक धारा, बाबा के पास थी एक धारा और तीसरी धारा ये था। जब बरसात होता तो नदी की तरह भर जाते और उसे पार करना होता था। दूसरी रास्ता थी रोड से, वो लंबा पड़ता था और हम लोग आश्रम से सीधे जाते थे। आश्रम के पास भी ऐसा ही एक गड्ढा था, लेकिन वो पानी कम हो जाता था। लेकिन ये बहुत ही बड़ा नाले जैसा गड्ढा था, नहर जैसा, तो हम लोग उसको पार करके जाते। तो भादो और कुवार, कुवार महीने में उसमें खूब कमल आता अपने आप, कोई बोया नहीं था उसको, पूरा कमल से भर जाता था उसे। हम लोग उसमें से रास्ता बना के, कम से कम वो 1 किलोमीटर का होगा नाला जैसा, पूरा कमल से भरा। हम लोग करते क्या, साफी और गमछा सिर पे बांध लिए और पानी में घुस गए और कमल तोड़ते हुए बाबा के लिए, कमल चढ़ाने के लिए कमल तोड़ करके ले जाए। इतना इतना कमल का गंदी, उसने इतने कमल हो जाता। तो बाबा ने भी इस पे एक बार सत्संग दिए कि बच्चा ये कमल इसका जो उपज का स्थान है वो कीचड़ में, और बच्चा वो कीचड़ भी कैसा होना चाहिए, काला कीचड़, साफ कीचड़ हो, ताजा कीचड़ हो, उसमें नहीं निकलता। और जब उसमें पानी सूख जाती थी, कमल का जड़ अंदर ही जमीन में रहता था, जैसे ही बरसात हुआ वो जड़ निकल गया, उसमें से कमल निकल। तो बाबा ने बताया कि बच्चा कमल से उपमा दी जाती है कि कीचड़ में कमल निकलता है। अब देखिए ये शरीर, कोई जीव जंतु चीटी मिट्टी कोई भी किसी उठा के ले जाए। बाबा बड़ी सुंदर बात बोलते थे चीटियों के लिए, चींटी को भी देखो बच्चा कितना मेहनत करती है, इधर उधर की वस्तु उठाकर अपने बिल में धरती है। चींटी का एक आदत बहुत अच्छा हो, अकेले कुछ नहीं खाते, जो भी मिलेगा ले जाएगा अपने घर में और सबके साथ मिलजुल करके। तो ऐसे ही अगर बहुत गहरे में चला जाए तो भी वो बीज बचता नहीं, और बहुत ऊपर आ जाए तो भी सीताराम, मध्य में रहना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए जमीन से। लेकिन आपको एक बहुत अच्छे रहस्य की बात बताते हैं, संसार में रहने वाले, विषय वस्तु में रमण करने वाले,
नाना प्रकार के व्यसन में रमण करने वाले व्यक्ति का ये गीत बहुत अंदर चला जाता है। कितना अंदर से चला जाता है कि उसके जन्म जन्म बीते जाते मत जीव अकेला जन्म जन्म परमत जीव अकेला आना जाना लगा रह गया आना जाना लगा भरमत जीव जग में लगे। तो यह जीव जन्म जन्म से भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीज गहरा है। ठीक वैसे जैसे मुंह में कभी बाल चला जाता है ना, जितना मुंह चलाओगे उतना पीछे जाता है वो। अनुभव है भाई? ये अनुभव। हाँ कुछ वाले हैं आपको तो जरूर अनुभव। हमारे नीचे ऊपर दोनों अनुभव होता है। मुंह में बाल चला जाए चलने तो उसका तरीका क्या है मुझे पता है। धीरे धीरे करके तो प्रयत्न कर। किस प्रकार से उस चुप की गहराई जो गहरे में चला गया है गुरु क्यों बनाना है? गुरुदेव होते ही उस गहराई में जा करके गहरे धीरे से निकाल कर और एकदम ऐसी जगह रखते हैं जहां की थोड़ा खाद पानी दे दो और तो शरीर में आत्मा बीज है। अज्ञानता के कारण वो अंधकार में कितना गहराई में है उसको देख, जब देख नहीं सकता तो उसको बोलता है कि आत्मा हो ही नहीं है। लेकिन वो बोलता तो है आत्मा नहीं होती है, लेकिन भूत से जरूर करेगा, प्रेत आत्मा मान लेगा होता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा सत्य गुरु सतगुरु कृपा सिंचित भयो जीव सतगुरु कृपा सिंचित भयो जीव ज्ञान को पायो जो तीरे ज्ञान की पायो जो तीरे काग से बन गया हंसा दीवा काग से बन गया हंसा दीवा जुग रहा है मोती रे। और नहीं तो कौआ क्या करता है सुबह उठ करके मल बिस्तर जितना गंदी है उसमें चोट मारता है। संसार में जो है वो कौआ के समान उत्पादन है। मल क्या है इसमें चोट मारता है? निंदा अस्तुति गाली काम क्रोध दोष मोह अहंकार बस इसमें चोस मारता है आदमी उठते ही। और गुरु की कृपा हो गई तो हंस हो गए। और हंस क्या करता है? हंसा चुके होती रे उस बहुत करके नहा धोआ करके अपना माला जला देके बनिया मोती माला की मोती गुरु मंत्र के साथ चल
इसी को कहते हैं कृपा। गुरु महाराज जी आपकी अपना में ऊर्जा देते हैं और वह ऊर्जा आपके साथ कैसे काम करता है, सुबह उठ करके माला जो लिया जाता है, मुख में राम राम होता है, ईश्वर का नाम होता है और हंस की तरह आपके कर्म बन जाते। तो ये रहा आपके प्रश्न का जवाब, इस नश्वर शरीर से, इस मल मूत्र अधम शरीर से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। मार्ग सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए। मार्ग और दिशा आपकी तभी सही बनेगी जब सदगुरु का संगति, सदगुरुदेव का हाथ हो, गुरु महाराज जी का प्रेम होगा, कृपा होगा, स्नेह होगा और उनका दिया हुआ ज्ञान आपके हित में रमण, उनकी दी हुई वाणी आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए और आप उसके साथ मंथन कर सत्संग कर तो निसंदेह ईश्वर की प्राप्ति, निसंदेह आत्मज्ञान भी हो सकता है, निसंदेह प्रेम हो सकता है, भक्ति हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, योग हो सकता है, अच्छे कर्म हो सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से ये चीजें संभव। गुरु महाराज जी सक्षम हो, मनुष्य कितना भी चतुर हो जाए, उसके अंदर आत्मज्ञान।